दूसरा अमल मैंने बताया नबी की बारगाह में सलातुल सलाम पढ़ना। ये दो अमल ऐसे कि गारंटी अब्दुल अहमद बिन दहलवी भी ले रहे हैं कि यकीन है कि ये रब की बारगाह में कबूल होगा। तो मेरे दिल के जब तुम यहाँ पर बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, इस नियत से आप सवाब के मुस्तहिक बने। अल्लाह वाले के महफिल है, ये अल्लाह वाले वो है जिन्होंने अपने जिंदगी को जो है दीन के लिए जो है सारी जिंदगी दीन के लिए गुजारी है। ये अल्लाह वाले वो है के इन अल्लाह वालों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ में इस दीन यहाँ तक पहुंचा है। ये अल्लाह वालों की जो है मेहनत है। और आज जो ये अल्लाह वालों का जगह जगह पर जो जिक्र हो रहा है उर्से अहमदी उर्से शादी तमाम ये अल्लाह वालों के बेहोश हो रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि आखिर इनके अंदर वजह क्या है? 100 साल हो गए अल्लाह वाले को विसाल किए हुए मगर जिक्र खत्म नहीं हुआ। 150 साल हो गए मगर जिक्र खत्म नहीं हुआ। 200 साल विसाल को हो गए मगर जिक्र खत्म नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? जमाना नहीं भूला है। आखिर वजह क्या है? जमाना नहीं इनको जो है जमाने ने नहीं भुलाया है। वजह यह है जो नबी की जिक्र से अपने सीने को रोशन कर लेता है, जमाने में वो रोशन हो जाता है। सारी जिंदगी जो नबी के दीन को रोशन रोशन करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला जमाने में रोशन कर देता है। अगर ये अल्लाह वाला चक्कल मैदान पे पहुंच जाए, हमने ये देखा बड़े बड़े गुफा जहां पर शेर रहते थे जंगलात थे, वहां अल्लाह वाले ने अपना गुसल्ला दिखा दिया। वो जंगल का इलाका था, जंगल का इलाका था, गुफा शेर रहते थे मगर अल्लाह वाले ने अपना गुसल्ला दिखा दिया। वो जंगलात रोशन हो गए, वो गुफा शेर अब जंगलात के अंदर नहीं रहे बल्कि वो जंगलात का इलाका रोशन हो गया। अगर ये अल्लाह वाला हो जाता है, अगर ये अल्लाह वाला आला हजरत की शक्ल में हो और तेरा सदी हो जाता है, अगर ये अल्लाह वाला मुफ्ती आजम की शक्ल में हो और सिंदूरी हो जाता है, अगर ये अल्लाह वाला आला हजरत की पीर मुर्शिद की शक्ल में हो तो उससे महारायण भी हो जाता है। अल्लाह वाला जिस जाने पहुंच जाता है कसम खुदा की वो जगह रोशन हो जाती है। वाह वाह बहुत अच्छा बहुत समझ लो नहीं। तो जो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करता है, जो अल्लाह के दीन के खातिर रात और रात और पूरा दिन जागता है सिर्फ नबी की उजालों के लिए, नबी के जो है दीन के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला जमाने में उसको रोशन कर देता है।